please like the video and subscribe our channel for the latest updates. हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जू लेके चलूंगी जहाँ बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं। अरे वाह, ये तो टाइगर है। टाइगर को हिंदी में बाघ भी कहते हैं। ये जंगल में रहते हैं, ये अपना खाना शिकार करके खाते हैं। टाइगर दौड़ने में सबसे तेज़ होता है। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब हम क्या देखने वाले हैं। ओ वाह, ये लॉयन है। लॉयन को हिंदी में शेर बोलते हैं। लॉयन को जंगल का राजा कहा जाता है। ये भी अपना खाना शिकार करके खाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा एनिमल अब आने वाला है। ये ब्लैक बियर है। इसको हिंदी में भालू कहते हैं। बियर झुंड के बजाय अकेले रहना पसंद करते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। ये बहुत हैवी होते हैं लेकिन फिर भी बहुत तेज़ दौड़ते हैं। चलो अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा एनिमल है वहाँ पर। ये तो एलिफेंट है। एलिफेंट को हिंदी में हाथी कहते हैं। एलिफेंट की बॉडी बहुत हैवी होती है और इनकी नोज़ बहुत लंबी होती है। इनके बाहर की तरफ दो लंबे लंबे दांत निकले होते हैं। अब हम चलेंगे रैबिट को देखने। वो देखो, वहाँ दो रैबिट बैठे हैं। रैबिट को हिंदी में खरगोश बोलते हैं। ये बहुत ही क्यूट होते हैं और बहुत तेज़ दौड़ते हैं। इन्हें कैरेट खाना बहुत पसंद है। अब हम स्नेक देखेंगे। वो देखो, वहाँ पर टू स्नेक हैं। स्नेक को हिंदी में सांप कहते हैं। ये ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं। इनके ईयर्स भी नहीं होते। ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। चलो जल्दी से भाग के चलते हैं यहाँ से और आगे चल के दूसरा एनिमल देखते हैं। चलते जाओ 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 चलते जाओ। वो देखो, जिराफ। वाव, जिराफ को हिंदी में जिराफ ही कहते हैं। जिराफ बहुत लंबे होते हैं और इसकी गर्दन भी बहुत लंबी होती है। ये ट्री से उसकी लीव्स खाते हैं उचक उचक के, इसीलिए लंबे होते हैं। अब हम देखेंगे डियर। वो देखो डियर, डियर को हिंदी में हिरन कहते हैं। ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं और ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली होते हैं। ये हरे पेड़ पौधे खाते हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं ज़ेब्रा को। ज़ेब्रा को हिंदी में ज़ेब्रा ही कहा जाता है। ये अपने बॉडी में सफ़ेद और काली धारियों से जाने जाते हैं। ये जंगलों में रहते हैं। ये दिखने में गधे और घोड़े जैसे होते हैं। चलिए अब देखते हैं राइनो को। राइनो को गेंडा कहते हैं हिंदी में। इसके शरीर पर बहुत चर्बी होती है और ये बहुत हैवी बॉडी के होते हैं। राइनो ज़्यादातर कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। अब देखते हैं क्रोकोडाइल को। वो देखो क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं। ये पानी और ज़मीन दोनों जगह पर रहते हैं। ये बहुत ही पेशेंस वाले जानवर हैं। क्रोकोडाइल पत्थर भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं।
बच्चों हमने पूरा जू घूम लिया और अब चलते हैं अपने अपने घर, और आज जो भी सीखा उसको अपने मॉम डैड को बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। बाय बच्चों। Please like the video and subscribe our channel for the latest updates.